हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमिकर। दोस्तों आज हम आपको एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट की वजह से एक लैडर टाइप ट्रे में एक बेंड बना के दिखाएंगे, जो कि एक साइड ही सिंगल बेंड रहेगा लेकिन भीतर का साइड जो है वो 45-45 डिग्री होके बनाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम इसका आउट साइड जो रखा है 700 mm से हम बेंड स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ इस तरह का हम बैंड बनाने वाले हैं। लेकिन इसका जो कटिंग हम पहले बनाते थे कुछ अलग टाइप का, जो कि एक साइड का पूरा ये जो रनर है इसको होल्डिंग मारना पड़ता था, लेकिन ये वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बीच से कट करके कैसे ये बैंड को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 300 का केबल ट्रे लिया है, तो 300 हो जाता है इधर तक और यहाँ से यहाँ 100 mm होता है और एक 100 mm। उसके बाद हमको इधर एक जॉइंट प्लेट डालना है, जो कि वीडियो देखने में समझ में आएगा। ये बहुत इजीली आप भी बना सकते हैं जब वो सेम फार्मूला सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हम एक 300 का लैडर का ट्रे ले लिया, जो कि अंदर साइड से हमको 300 होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं अंदर साइड से 300 है, अंदर साइड 300 और हम उसको पलट देते हैं। और हमको चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ एंड से इसका जो बेंड पोजीशन होता है लास्ट वो 700 में होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 700 मेजरमेंट कर लेते हैं। पहले ये 600, ये 700 हो गया। ओके, तो दोस्तों ये 30 mm ऐसे आउटसाइड होता है, लेकिन इसको हम 25-25 लेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो 25-25-50 होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 25 mm रखा, ये साइड को 25 mm लिया और वो साइड को 25 mm, टोटल 50 mm लिया हम राइट एंगल जो हम इसको सेंटर रखा है और ये साइड इधर ऊपर उठा लेंगे राइट एंगल की मदद से। और ये वाला को ऐसे क्रॉस कट कर देंगे। और ये जो साइड को ऊपर को उठा लेंगे इसको। तो इसे थोड़ा क्रॉस कट कर देंगे, इसको भी ऐसा। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला बैंड के लिए हमने मार्किंग कर लिया, बाकी होता है ये दोनों बैंड हम कैसे करेंगे। तो ये बैंड कैसे करेंगे, ये बैंड से इसका मेजरमेंट जो मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखिए मैं कर दिया है 300 mm में हमारा ट्रे का जो वाइड है वो चला जाता है। उसके बाद 100 mm हमने लिया है। ओके, उसके बाद और 100 mm के बाद हमको यहाँ से काटना है। तो इसका अपोजिट साइड को हमको क्या करना है, यहाँ से पहले देखो, पहले ये बैंड हमको निकालना है। ये वाला बैंड निकालने के लिए हमको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, 300 mm बाद में 100 mm। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये 700 था और ये जो कटिंग होने के बाद यहाँ से 300 हमको माइनस करना है। ओके, तो यहाँ से 300 माइनस कर लेंगे। पहले देखो इधर देखो, ये यहाँ पर बीच में आ जाता है, कोई बात नहीं। और ये लास्ट से ये वाला कितना mm होता है वो मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये 375 mm होता है, देखिए इधर 300 है, इधर 70 है, इधर 5 mm है, वही मेजरमेंट करेंगे। पहले 375, फिर और एक 100 हमको माइनस करना है।
ओके, ये 275 हो गया। और क्योंकि इधर देखिए हमने सिर्फ 300 माइनस किया था ये साइड में, और ये जो 100 mm ये कॉर्नर हम माइनस के नहीं किया, जैसे कि यहाँ से इधर तक 300 होता है लेकिन इधर तक 400 होता है। ओके, तो यहाँ से हमको पहला ही कट करना है, थोड़ा ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ। और ये 45 डिग्री बनाने के लिए आउटसाइड टू आउटसाइड 30 mm, ऐसे 25 mm हम पकड़ लेते हैं। पहले सोचते थे 25 mm के हिसाब से करते थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं 11 mm करके लिया था, लेकिन थोड़ा ग्राइंडिंग मारना पड़ता था। अभी 12 mm ले रहा हूँ ये साइड को, ये साइड को भी 12 mm ले रहा हूँ। ओके, इसको फिर कुछ इस प्रकार का हमको मार्किंग कर देना है। और यहाँ से हमको 144 mm लेना है, जो 100 mm हम माइनस किया था वो 100 mm के लिए 144। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 200 से स्टार्ट किया, ये 300 और 44 mm। यहाँ पर और एक बैंड होना, ये भी सेम 12 mm करके ले लेंगे। इसको क्या करना है, ये दोनों को फिर ऊपर साइड उठा लेना है। ये ऊपर का भी फिक्स करना है। ये से अंदाज से मैं ले लेता हूँ, आप 5 mm करके कट करेंगे भी हो जाएगा। ओहो, बराबर सीधी है। ये हो गया, इसके बाद भी क्या करना है हमको, और 100 mm लेना है। यहाँ पर दिखाओ, तो यहाँ का बेंड हो गया, यहाँ का बेंड हो गया, यहाँ से हमको 100 mm लेना है। ये डायरेक्ट 100 mm यहीं से ले लेंगे। यहाँ से 100 mm देखिए यहाँ पर आता है। ओके, इसको फिर चारों तरफ राउंड करके मार्किंग कर देंगे। अभी बात आता है हमको, इधर तक हम पहुंच गया, ये वाला पीस में इधर तक हम पहुंच गया, लेकिन इसको कहां से काटना है, सेम उसी तरह है, ये 300 प्लस 100 प्लस 100। ओके, ये 500 ले लेना है यहाँ से। ये मेजरमेंट करें पहले, दे दो यहाँ पर दिखाओ फ्रेंड्स, ये जो मार्किंग किया है ये कितना होता है पहले वो लेंगे। तो यहाँ से मेजरमेंट करते हैं स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देख सकते हैं 725 होता है। 725 के बाद ये साइड उठाओ, 725 हो गया, बाद में हमको 500। ओके, यहाँ से 600 mm से स्टार्ट किया, हमको 500। ओके,
यहीं से फूल कटना है, थोड़ा घुमा पकड़ो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कब फूल कटिंग, ये फूल काटना है जो कि ये हमारा काम वाला हिस्सा है, ये वेस्ट है, ये वाला पीस वेस्ट है, इधर से यहाँ तक ये वेस्ट है, ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा जैसा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये 25 की कट किया तो बराबर आ रहा है राइट एंगल में, थोड़ा गैप रहता है, चाहे तो आप इसको फिनिशिंग करेंगे तो थोड़ा ग्राइंडिंग कर लीजिए, ओके, नहीं तो फाइलिंग कर लीजिए। और ये वाला हिस्सा जो कि हम 12 mm करके कटिंग किया है, ये थोड़ा गैप रहता है, ओके, आप 11 mm करके कटिंग कीजिए, 11, ओके। और ये हिस्सा हम यहाँ से 100 mm लिया था, ओके, ये 100 mm भी सेम उसी तरह है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 300 mm, और ये जो 144 mm लिया ये 100 mm कवर कर गया, ऐसे एंगल में होगा तो ये 100 mm होता है, ओके। और ये 100 mm हम रखा वही हिसाब से, ये 300 है, ये 100 है, ये 100 है, तो 500 होता है ना, वही 500 पहले हमको इसको कट करना है। तो ये अभी फिलहाल के लिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, बाद में होल्डिंग करके इसका जो रनर है ये दोनों हम लगाएंगे बीच में, कुछ ड्राइंग में जो है वही हम बनाएंगे, और आप भी बनाइए वो भी अच्छा लगेगा।
बस। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको फ्रंटा डंडा में भी आप ये बेड बना सकते हैं, जब सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जब सीखने को मिला है तो लाइक जरूर।